अमृतसर तो विधायक नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर ही अपने अलग अंदाज करके जाने जाते हैं। तुहानू दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू वालों लगातार किसानों के हक विच आवाज चुकी जा रही है। अमृतसर के नाल नाल होर पिंड भी जाके किसानों नाल मुलाकात कर रहे हैं। तुहानू दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि किसानों का यह अंदोलन हौली हौली वधेगा ना कि घटेगा। उन्होंने कहा है कि किसानों की हर एक जरूरत को पूरा करना केंद्र सरकार का हक बनता है। उन्होंने कहा है कि वह हमेशा ही किसानों के नाल खड़े ने। तुहानू दस दईए कि तरनतारन साहिब तो सांसद मैंबर जसबीर सिंह डीपा ते पुछे गए सवाल तो नवजोत सिंह सिद्धू कन्नी करताउंदे नजर आए ने। उन्होंने की कहा तुसी भी सुनो। सिद्धू साहब हर रोज अपना योगदान पाउंदा मित्रा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू कदे भी किसानां दी मेहनत किसानां दे दिल चों निकली हुई ए जिहड़ा मतलब पर्वत दी हरियाली हुंदी है ना मित्रा, पर्वत दी हरियाली देख के कोई अंदाजा नहीं ला सकदा। ये ध्यान नाल सुनियो, पर्वत की हरियाली देख के कोई अंदाजा नहीं ला सकता कि वो अंदर कितनी अग धड़क रही है। तो यह जो ज्वालामुखी फुटिया ना, यदा कोई अंदाजा नहीं किसी को। एक किसान दे आत्मा चो फुटिया, मजदूर दे दिल चो फुटिया। इस करके सरकारां नूं चाहिए कि सुचेत हो जाए, क्योंकि ये वधना ही है, घटना नहीं। समझते हो, जदों सरकारां अपनी प्रजा के उत्ते जुल्म करन लग जाण और उन्हां दे हक खो के चंद अमीरां दे हवाले कर देन, ते फिर ये जिहड़ी क्रांति है ये आउंदी है। इस करके मैं हर रोज़ कोई ना कोई हलारा दिना इहनूं, तुसीं देखदे हो सियाणे हो, तुहानूं दसण वाली कोई गल नहीं। हर रोज़ दिना और हमेशा दिंदा रहूँगा, क्योंकि मैनूं पता है कि ये मेरी पछाण है, किसानी साडी पछाण है, असीं इहदे बिना ये अस्तित्व है साडा। और जदों भी कोई किसान लड़दा इस तरह सरकार नाल, सरकारां दा दर्जा माँ बाप दा हुंदा, जदों कोई किसान सरकारां नाल लड़दा इहदा मतलब उहदी अपनी जिंदगी दाव ते लगी है। समझदे नो, जदों जिंदगी दाव दे उत्ते लगी होवे ते उदों अगर किसान लड़दा ते हर बंदा पंजाबी उहनां दे नाल खड़ा है। मेरी ते गल छड्डो, छोटे तो लै के वड्डा एक मूवमेंट है, चंद बंदिआं तक नहीं मूवमेंट है, और ये लहर दे विच चंगे चंगे अहंकारी डुब जाने। ਵੱਟਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਿੰਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾੜ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਚ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਾਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਡਿੰਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ।